ऑफर ऑफर कोई नहीं, टांग तोड़ के हाथ में भी रख दूंगी। तुम्हारी सेटिंग लड़कियों से कभी नहीं हो सकती, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है। मुझे माफ कर दो यार प्लीज, मैं आइंदा से नहीं करूंगा, सॉरी आई लव यू। होता बाहर वालों से अच्छे से बात करते, कैसे हंसते हो फोन में, एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली। घर चनकट्टे पर लगाऊंगी मुंह में झांपट। नौटंकी के बाद लड़की पसंद नहीं है मुझे, लड़की तुमसे शादी करने वाली नहीं है लगा। मैंने तुम्हारी ब्लॉग में देखा लड़कियों को ऐसे बिल्कुल दबा के ले जा। मेरे को ये धमकी मत दे, मैं दिखाई नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा नहीं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज सुबह सुबह ना हमारे फर्श में ना पानी बह रहा है भाई, देखो उधर भाई लोगों का एक लेंटर पड़ा हुआ है बगल वालों का, वहां से पानी गिर रहा है पूरे फर्श में, दिन भर सफाई। और सुबह सुबह देखो पापा लगे पड़े अपनी बहू के साथ चिटर पिटर वीडियो कॉल में। ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो बल? मैं हूँ ऐसी, मैं हुई ऐसा रहूँ तो मैं क्या मुंह बनाऊंगी? क्या खाना नहीं खा रखा कल शाम से लिया, अभी तक तबीयत खराब है, मैं क्या करूँ? ऐसा ही हो रहा मेरा यार। क्यों खाना क्यों नहीं मिल रहा होगा तुमको? खाना नहीं मिल रहा? मिल रहा सब मिल रहा, मैं नहीं खा रहा हूँ बस। हाँ बुराई कर रहे हो सुबह सुबह, क्या ये तो आदत पापा खराब है तुम्हारी। तुम्हें चाय दे रखी है सुबह सुबह, बिस्किट पड़े हैं, काजू बादाम पिस्ता सब तुम्हारे पड़े हुए हैं। हाथ जोड़े हैं मेरे अपने। नाश्ता क्यों नहीं खाया बल? मम्मी ने नाश्ता खिलाया नहीं बल तुमको अभी तक? बताओ जवाब दो। उसके पास टाइम ही नहीं है, उसका मरने का समय नहीं है। किसके पास? माँ के पास है। क्या नाश्ता खिलाएगी वो, क्या नाश्ता बनाएगी, क्या पकाएगी, क्या पूछेगी किसी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है? सुबह से गायब है क्या? हाँ रोटी खा लो, खा लो एक रोटी, खा लो एक रोटी बल। खाऊंगा। कहाँ से देने, मेरे पास है ही नहीं, मैं दूँ कहाँ से? क्या कर रहा, पैसे मांग रहा करा छोटू? साइन करने के लिए कह रहा कुछ, वो कह रहा छोटू को एक चेक करके साइन करके दे दो बल आज शाम, घर के सारे खर्चे देने के लिए, दीपावली का सामान लेके आना है। क्या कह रहा तो छोटू को चेक साइन करके दे दो दीपावली के खर्चे के लिए, 10,000 का चेक काटे दे दो कह रहा वो। है पापा दीपावली के लिए पेंट लाना है, घर का सारा सामान लाना है, ये सब लाना है। क्यों? मैंने कुछ लाना, हमने नहीं करनी है दिवाली। क्यों क्यों हमने क्यों नहीं करनी दिवाली? नहीं करनी है, हमारा कोई गुजर गया। कौन कौन गुजरा है? मैंने कहा पापा 10,000 का चेक काटो, दीपावली का सामान लेकर आना, पेंट लेकर आना, सब कुछ लेकर आना। कह रहे हमने नहीं करनी दीपावली, हमारा कोई गुजर गया है। पापा कैसी यार कैसी बातें करते हो, तुम बकवास बातें करते हो। देख रहे हो पापा को वहां से भाभी फोन कर रही, पूछ रही क्या तबियत है, दीपावली का त्योहार है, पापा वहां से यहां आने की होश नहीं है लोगों को? तो आएंगे, टाइम नहीं है, छुट्टियां नहीं है, तो अपने आराम से आएंगे, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। हम कहे आराम से फिर लाएगा, अपने आप लाएगा, सारा सामान लाएगा, अपना यहाँ लग करके काम करेगा। वो आएगा तो मैं चले जाऊंगा, वो घूमने के लिए बता रहा हूँ भैया। तू वो जब आएगा तब आएगा, तू कल को जा रहा, कल को चले। मैं 10-15 दिखाई दूंगा उसके बाद। हाँ तो मत दिखाई देना यार, बस मेहरबानी कर यार, तू मेरे को ये धमकी मत दे, मैं दिखाई नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं। मैं पिछले एक महीने से घर में हूँ तुम्हारे साथ बैठा हुआ, अब भाई आ जाएगा। एक दिन भी नहीं है कोई। मैंने कहा पापा भैया आ जाएगा तो मैं भैया घूमने जाऊंगा कहीं, या तो केदारनाथ चले जाऊंगा, या तुंगनाथ चले जाऊंगा, या फिर मैं बनारस चले जाऊंगा, मेरा बनारस का ना बहुत मन हो रहा है। भाई और भैया भाभी घर आ जाएंगे, फिर वो 10-15 दिन दीपावली तक घर ही रहेंगे, और मैं रहूंगा आवारा परिंदा की तरह घर से बाहर। क्या लाना? टॉफी 10। हाँ या उसके आऊंगे, रवि पांडे क्या टॉफी आओ तेरे हाथ में है तो सी टॉफी देखो ये। अरे एक है, मैं इसका खा रहा हूँ ना, ये अभी बोल जाएगी आधे घंटे बाद, पौन घंटे तक तू ला दे, आधे घंटे तक कम लगे 10 ले आना। पापा बहुत टॉफी खा रहे हो तुम, कितना तुम बताओ बिल कितना है टॉफी का तुम्हारा पूरे महीने भर में? टॉफी लेके आता है उसका कमला के यहाँ होगी, वहाँ से 10 ले आना, फालतू बात मत करो। तो गाइस पहुंच चुका हूँ दुकान में टॉफी लेने के लिए, लाओ भाई टॉफी दो भाई फटाफट से। तुम्हें पापा ने फोन किया बोल 3-4, तुम्हें इतनी होश नहीं है? तुम्हें टॉफी चाहिए तो हमें पैसे चाहिए, पैसा दो टॉफी दो। क्यों तुमको पैसा मिलता नहीं महीने का? क्या मिलता है यार आज तुमको? पापा ने 4 बार फोन कर दिया टॉफी के लिए, तुम्हें टॉफी की नहीं भेजी अभी तक? हमारी मर्जी है, जब पापा तुम्हारे कहेंगे क्या तब भेज देगा, हमको अपने काम नहीं है। 36 बार में भूल जा रही हो क्या? नहीं बात कर रखी पहले से ही, पर मैंने कहा कोई आएगा बंदा भेज दूंगी उसके हाथ, नहीं तो मैंने कहा अभी फोन आ जाएगा फिर डांटेंगे। देख रहे कितना चौड़ा होकर बात कर रहे हैं, अभी पापा होते हैं ना अभी मुंह पर ताला लग जाता 2 मिनट के अंदर इनके। यार उनके सामने ताला लगेगा, वो जेठ जी है, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य होता है। जेठ जी जिस दिन पकड़ते तुम्हारी भुतड़ी और ऐसे घुमाते खोपड़ी ऐसे करके। अभी एक हल्द्वानी से भैया आए थे तो उन्होंने मेरी दुकान से स्टिंग ली, कह रहे मैंने आपको देखा है। कहाँ देखा है क्या देखा है? फिर सोच रहे कह रहे अरे हाँ रोहित के ब्लॉग में देखा है। अब मुझे अंडे दो, ढीकुली से आगे रहता हूँ, मेरा अपना रेस्टोरेंट है बोल देते वहाँ, उनका बहुत अच्छी बात है। चलो कभी आओ नहीं कहा रेस्टोरेंट में रोहित ना, क्यों हम पागल है कैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे? क्यों तुम नहीं जाते तो बुलाएंगे? तो क्यों जाएंगे हम ऐसे जाएंगे तो, अपने बच्चों के साथ जाएंगे, अपने पति के साथ तो जाएंगे, अपने बच्चों के साथ ही बुलाएंगे तुमको, क्या अकेले थोड़ी बुलाएंगे? तुम तुम्हारी शक्ल थोड़ी देखनी उन्होंने वहाँ, कहीं तुम अकेले कह रहे हो? अकेले क्यों,
अकेले बुलाएंगे चले जाओगी तुम? क्यों कद्दू के चढ़ जाऊंगी? तुम्हें डर लगता है किसी का? क्यों जाएंगे अकेले, हम आजाद हैं क्या? चनकट्टे पर लगाऊंगे मुंह में झापट, ज्यादा फालतू ब्लॉग में डाला तो। अपने बच्चे के साथ जाऊंगी, ऑफर ऑफर कोई नहीं, टांग तोड़ के हाथ में भी रख दूंगी। एक हमें देखो, हम पूरी जिंदगी ऐसी कुवारे मर जाएंगे। इसमें आज तक हमको कभी किसी होटल ने ऑफर नहीं दिया कि आओ रेस्टोरेंट में खाओ आओ। भैया सकल सूरत भी होनी चाहिए ना, हम तो ऐसे कैसी रह गए। लड़की होने का इतना फायदा है देखो। अभी जा रहे हो पीछे से लड़कियों को बैठा के ऐसे बाइकों में? कहाँ ले गए लड़कियों को बैठा के बाइक में? मैंने तुम्हारी ब्लॉग में देखा, लड़कियों को ऐसे बिल्कुल दबा के ले जा रहे थे वहाँ नैनीताल से, नैनीताल से होटल से निकल लेते, तुम कहाँ से निकल लेते जा रहे थे क्या? आगे से मैंने होटल पढ़ा वैसे यार, वो तो चाइना टाउन खाने का रेस्टोरेंट था कोई। अब इस उम्र में लड़कियों के साथ नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे बताना जरा मुझे? बुढ़ापे में घूमेंगे 50-60 साल बाद? लड़कियों के साथ क्यों घूमने, मम्मी के साथ घूमो, पापा के साथ घूमो। लड़कियां आजकल बहुत खतरनाक हो रही, लड़की मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब यार, मैं रियल में बात कर रही हूँ ना, लड़कियां बहुत खतरनाक हो रही यार आजकल। मैं भी लड़की हूँ, ऐसे मैंने कहना नहीं चाहिए, गलत बात बोल रही हूँ, पर लड़कियों से बच के रहना भैया। लड़के आजकल जो बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं मजाक की बात नहीं कर रही, जो बहुत अच्छे लड़के हैं वो लड़कियों से मतलब डर के रह रहे हैं। डर के रह रहे हैं? हाँ सही में, हकीकत में मैं पहली बार सुन रहा हूँ डर के रह रहे हैं। हम तो कभी किसी लड़के डर के नहीं रहे जिंदगी में आज तक यार। अब मैं पापा के साथ घूमने जाता हूँ, मम्मी के साथ घूमने जाता हूँ, भाई के साथ घूमने जाता हूँ, दीदी के साथ घूमने जाता हूँ, तो लड़कियों के साथ भी घूम ही लेता हूँ। कोई लड़कियों में कोई कांटे थोड़े लगे कि उनके साथ घूमूंगा दिक्कत हो जाएगी। लड़कियाँ सही भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी लड़कियां भी होती है, ऐसा भी नहीं है। नॉलेज वाली लड़कियां होती है, हर कोई लड़की एक सी नहीं होती है। नॉलेज वाली नहीं चाहिए हमको, हमें पगली टाइप की चाहिए। तुम्हें वही चाहिए, छल छल बल बल वाली हो, ऐसे हीरोइन की तरह चलने वाली। नौटंक के बाद लड़कियां पसंद नहीं है मुझे, कसम से, मुझे नॉलेज वाली अच्छी व्यवहार हो। हम तो बहु ऐसी लाएंगे बिल्कुल, जो लिपस्टिक लगा के ऐसे घूमे, बाल बना के ऐसे घूमे, हीरोइन जैसी बन के घूमे, पूरे गाँव में जहाँ से वहाँ चले तो रोड में आग लग जाए बिल्कुल। घर मत लाना फिर, उसको बाहर ही रखना भैया। कोई बात नहीं, हम बाहर रख लेंगे, बाहरी रहो फिर। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, घर में एक और रख लेंगे। दो दो ऑप्शन में आएंगे हमारे पास। कल तक रोहित कह रहा था मैं शादी नहीं करूंगा, आज दो दो रख लूंगा, जवान से पलट के। कल तक तुम कह रहे थे शादी नहीं करूंगा मैं। जुबान चीजी ऐसी है, पलटनी चाहिए, क्या दिक्कत है? आदमी को एक सहन के समान तो मुश्किल है, चार चार पांच पांच ब्याह कर लीजिए। एक बीबी पालना तो मुश्किल हो रहा है, तुम चार चार शादियों की बात कर रहे हो। कैमरा पीछे करो, अब जहाँ तहाँ कैमरा ही ले जाओ। पापा का वो डायलॉग अच्छा लगता है, क्या नहाने में भी टॉयलेट में भी कैमरा ही लेके आएगा तो? चलो लाओ सामान दो मुझे, पापा की टॉफियां, अंडे दो, अंडे है नहीं है, खत्म है क्या? अंडे दे दो, पांच अंडे दे दो, सोयाबीन की बड़ी पड़ी है, सोयाबीन की बड़ी दे दो। आजकल आपको पता है मैं वेट लॉस प्रोसेस में चल रहा हूँ, मतलब मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ, तो मैंने ना क्या कहते हैं ऑयली खाना बंद कर दिया। आई होप कि आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा हल्का कमजोर हो रहा हूँ। आपको लग रहा है चाची यहाँ दिखना रहा? तुमको लग रहा है पतला हुआ नहीं हुआ है? हो गया यार तुम पहले, मतलब अब तो मेरी सेटिंग हो जाएगी, मतलब मार्केट में कद्दू भी जड़ होगी तुम्हारी सेटिंग, कोई कीमत पे नहीं हो सकती तुम्हारी सेटिंग। तुम्हारी सेटिंग लड़कियों से कभी नहीं हो सकती, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो उनको इधर उधर घुमाए, खाने पे ले जाए, बाइक में पीछे बैठ के ले जाएं, तो तुम तो अपने बाबू जाके पीछे लग रहे थे। कोई लड़की आने वाली नहीं है, कोई लड़की तुमसे शादी करने वाली नहीं है। भाई अगर अपने पापा मम्मी के पीछे लगने से अगर कोई लड़की नहीं मिली तो ना भाड़ में गई लड़की, चाहिए ही नहीं लड़की, हमारे ईजा बाबू के साथ ही रहेंगे हम। बहुत अच्छी बात है, ईजा बाबू के साथ भी रहोगे तो हम तो खुश है। हम तो, हमको भगवान ने ये वरदान दिया कि हम भी अपने माँ बाबू की सेवा करते। क्या करे, शादी हो गई, अब करो जाके करो, क्या दिक्कत है, कहाँ करे, अब यहाँ जा करे वहाँ जा करे। तो गाइस फाइनली टॉफी लेके पहुँच चुका हूँ पापा के पास घर, और मम्मी भी खेस आ गई। हेलो क्या हाल है? बढ़िया है, सही है। क्या कह रहे हैं, तो ये तो तेरे बिना रह ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। अच्छा कह रहे कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ नहीं है। लड़ाई तो मैं दिन में एक बार नहीं छह बार करता हूँ, करता हूँगा। क्यों करते हो फिर? अब पता नहीं मेरा दिमाग पागल हो जाता है या मेरे दिमाग में होता है। अरे ये तुम्हारी सोच है, पागल होता तो औरों के लिए भी होता, बाहर वालों से अच्छे से बात करते, कैसे हंसते हो फोन में। कल किसका फोन आया था यहाँ, अंदर गुस्सा हो गए, सो गए डरे, और कोई इनके साथ वाले का फोन आया, खूब हंसने में लगे हैं वहाँ। हैं भाई क्या है चक्कर, मतलब घर में धमकी, बाहर बाहर बंदर गुड़की। हाँ बाहर वाले में खिला रहे इनको ना, कोई पिला रहा, दो बातें फोन में कर दे रहा बेचारा, खुश है। और हम रात दिन सेवा में लगे हैं तो हमें गाली 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 नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मेरा दिमाग छनक जाता है। अपने दिमाग को शांत करा करो, फिर अखबार पढ़ना जरूरी है, अखबार पढ़ने बैठ जाते, कभी धर्म ग्रंथ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, उससे शांति होती। कभी पढ़ा दुर्गा चालीसा, कभी पढ़ी हनुमान चालीसा, उसमें दिमाग ही नहीं है। अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ना, वहाँ चोरी होगी, वहाँ डकैती होगी। चलो आशा हनुमान चालीसा पढ़ोगे लेके आऊँ, हनुमान चालीसा लेके आऊँ, उनसे मन में शांति होती है, दिमाग में शांति होती है। सही कह रही बाबा, मम्मी सही कह रही है, अगर धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो दिमाग में शांति रहेगी, हर जगह शांति रहेगी, समझ रहे हो? अगर मैं घर में होती तो इनका गुस्सा सातों आसमान पर ही रहता। हाँ अब जब से तू गई तब से हिमांशु से कहते रहे कि पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को ना खाना दिया, ना मुझे पीना दिया, ना मुझे कुछ दिया, बैठे हैं गुस्सा मुंह बुला के। तो खाना खाओ, सुबह ही कहा रहे नहीं मैं नहीं खा रहा। नखरे क्यों दिखाते बताओ? मैं चाहता नहीं हूँ, कह के नहीं कहना चाहता। आदतें तुम्हारे पहले भी यही थी, आज से थोड़ी है, ये तो पुरानी आदतें हैं।
तो पुरानी आदतें हैं जानते हो, उसके बाद क्यों कह रहे हो देखो। तो अब तो तुम बहाना बना के बैठ जा रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ आ जाता है कहाँ से आता है। मैं सहन कहाँ कर रही हूँ, मुझसे हो भी नहीं रहा सहन। गले में टॉफी अटक गई ना, देखो ये अभी टॉफी लेके जाएगी। टॉफी है पापा, टॉफी खाते टाइम खाना भी खा लेंगे, चाय भी पीएंगे, दूध भी पीएंगे, सब पीएंगे। टॉफी तो फंस जाएगी। फिर मुक्का मारू, पीछे जोर से मुक्का, जोर से मारू, जोर जोर से। अब तो कितने मुक्के से, अब तो बॉडी बिल्डर हो रहे हैं, बॉडी बिल्डर मुक्के उक्के सब सहन कर जाएंगे। चलो फेंको, छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो, चिपक गई पापा, रहने दो। नहीं चिपक रही यार, पैसे लगे हैं, चिपक रही है। और हमारे खाने में पैसे नहीं लग रहे। कल शाम चाय बना के दी मैंने इनको घास से आके, शाम को नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ। तो मैंने पीली रखी रही चाय, मैंने वहाँ रख दी। तो फिर दोबारा मैंने कहा चाय, अपने हाथ से चाय बनाई, वो चाय ने ऐसे फेंके सिंके, वो पूरे दीवार पर पूरे छीटे छीटे। सुबह से कितना मल दिया मैंने। अच्छा वो जो है फैला हुआ है। पापा ये क्या तमीज है तुम्हारा, बताओ। पहले से भी यही काम था इनका, मतलब चाय पटक के फेंकोगे तुम घर के अंदर। और अपने हाथ से बना के भी फिर इनके दर दर तो सब सही। उस टाइम लचक लचक के चल रहे थे, भी सही चम 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 चल रहे हैं। क्या हड़काती, मैं सुबह देख रही हूँ, मैंने कहा सिद्धि आज दीवार में छीटे गाय के हैं, ये करी जो ताऊ ने शाम को चाय फेंकी इसके। फिर मैंने कितना बीमार, फिर मल दिया कितना। तो इनसे मलवाती ना, साफ करवाती है? क्या कहती है, अब क्या कहती, ऐसा तो इनका गुस्सा ठहरा। हो गया होगा यार, गलती हो गई, मैं खुद कह रहा हूँ, अब मेरी मिस्टेक रही। जब मैंने उसको साफ करते हुए देखा, मैंने कहा अगर मैं फेंकता ही नहीं तो चीटे आते नहीं, चीटे आते नहीं तो वो साफ नहीं करते। चलो माफी मांगो, मैं सॉरी बोल दिया मैं, अब मैं आइंदा से इन कर्मों को नहीं करूँगा, नहीं करने की कोशिश करूँगा। अब कभी भूत पिशाच लग जाते हैं ऊपर से और वो लोग करवा देते हैं, मैं नहीं कह सकता। कोई भूत पिशाच नहीं लग रहे हैं, पिशाच और क्या होता है। अरे मैं सॉरी तो बोल ही रहा हूँ, हो जाती है मिस्टेक मेरे से, मेरे से आज जीवन मिस्टेक हुई है। 65 साल हो गए, 65 साल से गलतियाँ ही कर रहा हूँ और लड़ाई झगड़ा ही कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो फिर? अब क्यों कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं बता रहा, मेरे को मेरी आत्मा नहीं बता रही है क्यों हो जा रहा है। पहले से तो कहते भी नहीं थे मैं गलत करता हूँ, मैं तो सही करता हूँ। अब यहाँ से ले रहा हूँ तो यहाँ लग रहा है। पापा वो टॉफी खा रहे हो, दिन में 50-60 टॉफी खा रहे हो। तुम्हारा गला छिल गया है खाते जो टॉफियाँ बंद कर दो, मैंने देखा होता है। काजू सेक पियो, बादाम सेक पियो, बनाना सेक पियो, टॉफी से अच्छा है वो तो। टॉफी को बंद कर दो, अब दूध हो गया। कर्म कहाँ है, बादाम सेक, काजू सेक, बनाना सेक, फलाना सेक, ढिस्काना सेक। तुम्हारे घर तो दारू सेक पीने के थे, वही पियो दारू सेक। तुम्हारे घर दारू सेक पीने के हैं, बल वही जम के पी है। अब हम पिला दे रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, उनका रंग दिख रहा तुम पर। आइंदा से ये गलतियाँ नहीं होंगी, जाओ। अब भी होंगी दोपहर से शाम, नहीं होंगी। शाम से तुम सब्जी काटोगे, चाय बना के रखोगे, सब्जी काटोगे, चाय बनाओगे, आटा गूंदोगे, ये काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हो? और ढोलना फोकना कर सकते हो, अच्छे काम नहीं होते तुम। मुझे माफ कर दो यार प्लीज, मैं आइंदा से नहीं करूंगा, सॉरी, आई लव यू। चलो तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग कहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हम करते हैं कुछ खाने पीने की तैयारियां, ठीक है? बाय बाय। चाय बना थोड़ी।